फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितेश बांका। आप है मेरे यूट्यूब चैनल लेग स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छा वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। देखिए, 498 406 या 377 आईपीसी की धारा में जब एफआईआर हो जाती है, जब पुलिस एफआईआर रजिस्टर कर देती है, तो सबसे पहले जो डर लगा रहता है कि अरेस्ट का, कहीं आप अरेस्ट तो नहीं हो जाएंगे। देखिए, बहुत सारी फैमिलीज हैं और पूरे पूरे फैमिली मेंबर्स तक इन्वॉल्व हो जाते हैं ऐसी एफआईआर में। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एफआईआर रजिस्टर होने के बाद सबसे पहला डर यही लगा रहता है कि जो है अरेस्ट का क्या चांसेस है, या अरेस्ट होंगे या नहीं होंगे, कब होंगे, या कैसे ट्रीटमेंट मिलेगा पुलिस की तरफ से, या कितनी हैरेसमेंट होगी पुलिस की तरफ से। तो देखिए, ये वीडियो आपको जो है एक इन्फॉर्मेशन या नॉलेज देने के लिए है कि अगर ऐसा होता है कि अगर आपका जो अरेस्ट के चांसेस हैं वो हो जाए 498 377 या 406 अगर लगाई हुई है। देखिए, 377 आजकल जो है काफी आम हो रही है मैट्रिमोनियल केसेस में, जो है एक जो ऑफेंस है उसे बहुत ही बड़ा कर देती है, और जो पुलिस जो है उसमें फ्रीली जो है अरेस्ट आपको कर सकती है। अब मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ कि देखिए, एंटीसिपेटरी बेल पे तो मैंने ऑलरेडी आप पहले भी वीडियो बना रखा है, और आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं एंटीसिपेटरी बेल। तो एंटीसिपेटरी बेल तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको करना चाहिए अरेस्ट से अगर आपको बचना है। अगर फिर भी अगर आप अरेस्ट एंटीसिपेटरी नहीं लगा पा रहे, और अरेस्ट सपोज आप पुलिस आपको अरेस्ट कर ही लेती है, तो ये वीडियो आपको वो नॉलेज दे रहा है कि जिससे आपके जो है आपके अधिकार आपको पता चले। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अगर सिर्फ 498 406 लगा हुआ है एफआईआर में और एफआईआर की कॉपी आपको नहीं मिली है, तो आप डिमांड कर सकते हैं एफआईआर की कॉपी लेने के लिए। और आजकल तो जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है उसमें ये कहा गया है कि आप जो है एफआईआर जो है ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो आप अगर एफआईआर रजिस्टर होती है और जैसे ही आपको ये इन्फॉर्मेशन पता चलती है, तो आप ऑनलाइन भी ट्रैक कर सकते हो, वो एफआईआर की कॉपी आप ले सकते हो। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको सेक्शंस देखने, कौन कौन से सेक्शंस लगे हैं। अगर तो सपोज 498 406 लगा हुआ है सिर्फ, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पुलिस को ये करनी चाहिए कि पहले 41A का नोटिस आपको दिया जाए। 41A का नोटिस के बिना अगर अरेस्ट दिखा देती है पुलिस, तो ये बहुत बड़ा लैप्स है। और 41A का नोटिस एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है अरेस्ट करने से पहले, कि आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाए कि आप जो है इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करें। अगर आप 41A का नोटिस देने के बाद भी आप इन्वेस्टिगेशन को नहीं ज्वाइन करते, तब जो है पुलिस जो है आपको अरेस्ट कर सकती है। पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज ही है 41A का नोटिस। अगर आपको 41A का नोटिस नहीं मिला, तो आप जो है रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, एक कोई भी आपका रिलेटिव आप कंप्लेंट कर सकता है कि 41A के कंप्लायंस के बिना अरेस्ट किया जा रहा है। तो 41A का नोटिस जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। 41A का नोटिस का कंप्लायंस करना आपको मैंडेटरी है, कि 41A में जो भी डेट लिखी है कि उस दिन आपको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी है, उस दिन आप आयोग के सामने जो है प्रस्तुत हो जाए। अब देखिए, कई बार क्या होता है कि 41A का नोटिस के कंप्लायंस आप कर देते हैं, और पुलिस जो है उस पर जो है ये नहीं लिखती कि आपने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर ली है। कई बार फाउल प्ले के भी चांसेस हो जाते हैं कि पुलिस जो है आपको 41A का नोटिस दिया, आप पुलिस स्टेशन भी गए, इन्वेस्टिगेशन भी ज्वाइन की, और उसके बाद जो है पुलिस ने उस 41A नोटिस में रिसीविंग नहीं दी, या कहीं पे भी आपको लिख के नहीं दिया कि आप जो है इन्वेस्टिगेशन जो है ज्वाइन कर चुके हो। तो उसमें इस केस में ये भी हो सकता है कि 41A का नॉन कंप्लायंस की एवज में आपको जो है अरेस्ट कर लिया जाता है। अब अगर ऐसा है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप जो है एक लेटर जरूर लिखें, या रिसीविंग जरूर ले, अगर रिसीविंग नहीं मिल रही है तो एक लेटर जरूर लिखे उस दिन SHO को, उस थाने के, कि इस दिन मैं आया था, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की थी और मुझे कोई रिसीविंग नहीं मिली। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अगर आपको फ्यूचर में अरेस्ट भी कर लेते हैं, तो बेल लेने में आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपने जो है एक लेटर लिखा था उसी दिन ही कि आपने रिसीविंग मांगी और आपको रिसीविंग नहीं मिली। आप एक SHO को जो है कंप्लेंट कर सकते हैं, या ऊपर वाले अधिकारियों को कंप्लेंट कर सकते हैं। तो इस हर स्टेप पे कंप्लेंट बहुत जरूरी है, हर स्टेप पे ये जो अगर लैप्स हो रहा है वहां पे कंप्लेंट का सपोर्ट होना आपका बहुत जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो आगे आपको प्रॉब्लम होगी। दूसरी चीज, अगर आपने 41A का कंप्लायंस करा है, तो पुलिस तो आपको अरेस्ट करेगी नहीं, और आगे भी अगर आप कंप्लाई करते जा रहे हो तो पुलिस आपको बिल्कुल अरेस्ट नहीं करेगी।
दूसरी चीज ये है कि अगर आपने फाउल प्ले हो जाता है और आपके घर में पुलिस आ जाती है अरेस्ट करने आपको, और दूसरी चीज ये होती है कि कई बार क्या होता है कि पुलिस जो है 2 या 3 दिन जो है आपको बिठा के रखती है और चौथे दिन आपको जो है मैजिस्ट्रेट के आगे पेश करती है, यानी 2 या 3 दिन आपको जो है पुलिस स्टेशन में बंद रखे। तो उस केस में क्या होता है कि आपको जो है 24 घंटे के अंदर, आपका एक राइट है कि आपको 24 घंटे के अंदर अंदर आपको जो है मैजिस्ट्रेट के आगे जो है पेश करना मैंडेटरी है। अगर जिस दिन आपका अरेस्ट हुआ, सपोज 12 तारीख को आपका अरेस्ट हुआ 12 बजे, तो 13 तारीख को 12 बजे के आसपास जो है आपको मैजिस्ट्रेट के सामने जो है पेश करना मैंडेटरी है, और इसका कोई जो है अल्टरनेटिव नहीं है। अगर ये नहीं किया तो अरेस्ट जो है इनवैलिड हो जाएगा, आपको जो है 24 घंटे के अंदर अंदर जो है मैजिस्ट्रेट के आगे पेश करना जरूरी है। अगर 24 घंटे के बाद भी पेश नहीं किया मैजिस्ट्रेट के सामने, लोकल मैजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट जिस डिस्ट्रिक्ट का वो थाना है वहाँ के मैजिस्ट्रेट के सामने नहीं पेश किया, तो आप जो है एक और कंप्लेंट, आपके कोई भी रिलेटिव एक कंप्लेंट और कर सकता है कि इस तारीख को अरेस्ट किया, अभी तक जो है मैजिस्ट्रेट के आगे जो है पेश नहीं किया गया। हाई कोर्ट जा सकते हो, हैबियस कॉर्पस की रिट आप फाइल कर सकते हो, पर जो है आपका जो अरेस्ट है वो उस दिन से शुरू होगा जिस दिन पुलिस ने आपको कस्टडी में लिया, उस टाइम का जो है आपका अरेस्ट मेमो बनना जरूरी है। अरेस्ट मेमो में जो है सब कुछ लिखा होता है, कब कितने बजे अरेस्ट किया और कहाँ से अरेस्ट किया, किस ऑफेंस में अरेस्ट किया, ये आपका अधिकार है, ये जानना जरूरी है कि किस ऑफेंस में आपको अरेस्ट किया जा रहा है, वो भी एक आपका अधिकार है, ताकि जो है आप जो है आप जो है अपना जो बेल के टाइम पे आप बहुत सारी चीजें जो है आर्ग्यू कर सकते हैं। तीसरी चीज ये है कि आपका जो है लीगल राइट, लीगल एडवोकेट से कंसल्ट करना आपका राइट है, कि आप अगर आप डिमांड करते हो कि मेरे को अपने वकील से बात करनी है, तो आपको जो है पुलिस डिनाई नहीं कर सकती कि आप जो है अपने वकील से जो है कंसल्ट कर सकते हो जब आप अरेस्ट होते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि आपको जो है लीगल राइट है कि आप जो है वकील से भी कंसल्ट करोगे। चौथी चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चौथी चीज ये होता है, कई बार क्या होता है 2 दिन 3 दिन थाने में बिठा लिया, मारपीट भी की और उसके बाद जो है मेडिकल कराते हैं और फिर अरेस्ट दिखाते हैं, तो कई बार ऐसे भी होता है कि पहले 2-3 दिन रख लिया, उसके बाद मेडिकल और उसके बाद। अब यहाँ पे वो पहली वाली कंप्लेंट आपकी काम आएगी कि इस दिन उठाया, 24 घंटे के अंदर प्रेजेंट नहीं किया, उस बीच में मारपीट हुई, उसके बाद मेडिकल हुआ, तो उसमें जो है आप जो है सीधा जो है पुलिस डिपार्टमेंट के जो लैप्सेस है वो सीधा आप जो है रेलेवेंट अथॉरिटीज को दिखा सकते हो कि 2-3 दिन पहले अरेस्ट हुआ, अरेस्ट दिखाया, बाद का मारपीट भी हुई और फिर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। आप मैजिस्ट्रेट से भी कह सकते हो कि जो मेडिकल है मेरा लेट हुआ, मेरे को मारपीट हुई है, फ्रेश मार्क्स है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, अगर आपको ये चीज पता ही नहीं होगी तो फिर ऑब्वियसली जो है कोई भी आपके लैक ऑफ नॉलेज का फायदा उठा सकता है और फाउल प्ले के चांसेस बहुत बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये सब राइट्स आपको पता होने चाहिए, अगर 498 406 में आपका अरेस्ट होता है तो ये सब राइट्स जो है आपको बिल्कुल जो है आपको इम्यून कर देंगे कि कोई भी फाउल प्ले ना हो। ठीक है, अरेस्ट करना पुलिस का अधिकार है, बट आपके भी जो अधिकार है वो आपको पता होने चाहिए। मेडिकल कराए, 24 घंटे के अंदर जो है मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होना जरूरी है, राइट टू लीगल एड या लॉयर का जो है एडवाइस लेना आपका राइट है, और आपको ये पता होना चाहिए कि जो FIR है किस जुर्म में आपको जो है अरेस्ट किया जा रहा है। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।